ठीक है। अब मैंने क्या किया,
एक और मैंने आर्क लगा दी और उसका नाम मैंने रख दिया एस। ठीक है, इतनी बार बच्चों समझ में आई कि मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ की, उसके दो नाम रख दिए बी और ए। ठीक है, अब बी को एज अ सेंटर लिया और ये एक आर्क लगाई क्योंकि कंपल्सरी है, ये वाली एक आर्क लगाई। अब जहाँ दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ मेन पॉइंट हासिल होता है, तो ये दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें यहाँ एक पॉइंट हासिल हुआ, उसका नाम हमने पी रख दिया। हमारा कंपास नहीं खुला हुआ है, मैंने पी को एज अ सेंटर लिया और यहाँ पर एक आर्क लगाई, जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ एक पॉइंट हासिल होता है, उसका नाम मैंने क्यू रख दिया। अब क्यू को मैंने एज अ सेंटर लिया और उतने ही रेडियस की एक आर्क यहाँ लगाई, फिर दो लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट होती है वहाँ एक पॉइंट हासिल होता है, उसका नाम आर रख दिया। कंपास मेरा उतना ही खुला हुआ है, कम ज़्यादा मैंने नहीं किया है। अब आर को एज अ सेंटर लिया और एक आर्क यहाँ लगा दी और जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट हुई वहाँ एक पॉइंट हासिल हुआ, उसका नाम हमने एस रख दिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब आपको एक बात और बता देती हूँ। ठीक है, अब आपने जो पहली कंपल्सरी आर्क लगाई है, इसके बाद जो आपकी सेकेंड आर्क है ये वाली, इसमें याद रखिएगा कि हमेशा इस पर 60 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, उसके बाद आपने इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेके जो आपने दूसरी आर्क लगाई है ये वाली, इस वाले पॉइंट पे हमेशा 120 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, फिर आपने एज अ सेंटर आर्क लिया और जब आर्क आपने लगाई है ये वाला 180 डिग्री यानी स्ट्रेट एंगल का 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता है। ये मैंने आपको एक बात बताई है, हमारा असल जो टॉपिक है वो 135 डिग्री का एंगल है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि आपके आप लोगों को याद रहे कि पहला जो आपने लगाते हैं ये पहला आर्क जो है सेकेंड आर्क से हमने पहले तो ये वाली है, इस पर 60 का बनता है, इस वाली पर 120 का बनता है और उस पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमें ये एंगल नहीं चाहिए, हमारा टॉपिक क्या है, 135 डिग्री का एंगल, उसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी मदद से कंपास और रूलर की मदद से करना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब बच्चों मैंने अपना कंपास ज़रा और खोल लिया, ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपना कंपास और खोल लिया और मैंने क्या किया, थोड़ी सी ये आर्क में छोटी करूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। मैंने ये अब ये वाला क्यू और आर के दोनों पॉइंट को लेना है, थोड़ा सा खोल लिया मैंने और यहाँ पे मैंने एक आर्क लगा दी। ठीक है, एज अ सेंटर मैंने क्यू पॉइंट को लिया, अब आर को मैं एज अ सेंटर ले रही हूँ और एक आर मैं यहाँ लगा दूंगी। ठीक है, अब जो दो लाइनें जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें एक पॉइंट हासिल होता है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया डी। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या रख दिया हमने, डी। अब मैं डी को किससे मिलाऊंगी, बी से मिलाऊंगी। ठीक है, डी को किससे मिलाऊंगी, बी से। ठीक है, ये मैंने डी को बी से मिला दिया। इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या किया कि क्यू और आर को एज अ सेंटर लिया, कंपास थोड़ा सा ज्यादा खोल लिया, डी को लेंगे तो कोई मसला नहीं है, और एक अब क्यू एज अ सेंटर लिया, एक आर्क लगाई, आर्क को एज अ सेंटर लिया, दूसरी आर्क लगाई, दोनों लाइन में दूसरे को जो है इंटरसेक्ट किया, पॉइंट क्या हासिल हुआ हमने, डी पॉइंट हासिल हुआ, डी को बी से मिला दिया। ठीक है, अब आप बच्चों ये देखो कि हमें ये वाला एंगल नहीं चाहिए, एंगल वाला क्या है, 135 डिग्री, तो जहाँ दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ हमें पॉइंट हासिल होता है, तो यहाँ पे जो है ये एक ये वाली लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, तो यहाँ भी हमें एक पॉइंट हासिल हुआ जिसका नाम हमने रखा टी। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अब मेरे पास 135 डिग्री के लिए बच्चों याद रखिएगा, एक मेरे पास है ये टी पॉइंट और एक मेरे पास है ये एस पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मुझे एज अ सेंटर लेने हैं 135 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए।
अब मैंने ये कंपास ले लिया, कंपास को मैंने क्या किया कि मेरा कंपास आप अपने सूटेबल रेडियस के मुताबिक खोल लें, मैंने अपना कंपास खोल लिया। अब मेरे पास क्या है, पॉइंट टी है, पॉइंट टी है, ये थोड़ा सा मिटा देती हूँ ताकि आप चलने का आसानी हो। ये मैंने एक आर लगा दी, अब मैंने पॉइंट एस लिया और एस पॉइंट को एक आर मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है, नजर आ रही है, ये एक आर लगा दी। अब यहाँ पर मुझे जो एक पॉइंट हासिल हुआ वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इसका नाम रख दिया मैंने सी, ठीक है। अब मैं सी को बी से मिला दूंगी, ठीक है, सी को बी से मिला दूंगी। ये मैंने सी को बी से मिला दिया, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला एंगल, ये जो पूरा एंगल है, ये वाला, ये मुझे मिला 135 डिग्री का एंगल। तो मैं क्या करूँगी, मेजरमेंट एंगल ए बी सी